अभी तो मैंने स्टार्ट किया। देख रहा हूँ तुम्हें फाइट करने का बड़ा शौक है। पर्दे पर बेखौफ दिखने वाले टाइगर श्रॉफ को लगता है किस बात से डर। कब रिलीज होने जा रही है टाइगर श्रॉफ की बागी 4? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने बहुत ही कम समय में ये दिखा दिया कि वो लंबी रेस का घोड़ा है और बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी उनके नाम है, फिर चाहे वो हीरोपंती हो या बागी। और अब इसमें गणपत का भी नाम जुड़ चुका है जो कि 2 चैप्टर्स में रिलीज होगी। यानी कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी चाहते हैं कि टाइगर उनके साथ काम करे। लेकिन टाइगर फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत ज़्यादा घबराते थे और उनके अंदर बहुत बड़ा डर था। आपको बता दें, इस बारे में टाइगर ने खुद खुलासा किया था और जब वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे थे तो उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके दिमाग में हर टाइम यही चलता रहता था कि वो बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर के बेटे हैं, ऐसे में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेकर टाइगर श्रॉफ बहुत परेशान रहते थे। इतना ही नहीं, पर्दे पर बेखौफ और स्ट्रांग दिखने वाले टाइगर श्रॉफ निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डरपोक हैं। उन्हें हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है। ये बात खुद टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में कबूली थी। फिल्मों के अलावा टाइगर श्रॉफ अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। टाइगर श्रॉफ लंबे समय से एक्ट्रेस दिशा पाटनी को डेट कर रहे हैं। इन दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर और दिशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 की बात करें तो जल्द ही वो इस पर काम करने वाले हैं। हीरोपंती 2 के बाद बागी 4 में एक्शन लेवल जो होने वाला है वो अलग होने वाला है। अहमद खान इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। बागी 3 की बात करें तो साइबेरिया में ज़्यादातर ये शूट किया गया था और इस बार बिल्कुल अलग लोकेशंस को चुना जाएगा और दुनिया भर की, कहा जा रहा है कि 11 देशों में इस फिल्म की शूटिंग होगी। यानी कि बागी 4 में आपको बहुत सारी जगहों को देखने का लुफ्त मिलेगा। दोस्तों, कितना इंतज़ार है आपको बागी 4 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।